हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को पिंक कलर एडिटिंग सिखाऊंगा लाइटरूम ऐप की मदद से। गाइस बहुत ही छोटा वीडियो है, वीडियो को फुल देखो। सो आप लोग पिंक कलर एडिटिंग कर सकते हैं। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस वीडियो को फुल्ली देखो, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है एंड बहुत ही इजी स्टेप से आप लोगों को मैं समझाऊंगा आप लोग कैसे पिंक कलर एडिटिंग कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है येलो कलर में चेंज करिए। सो यहां से आप लोगों को मिक्स वाले टूल के अंदर चला जाना है, ठीक है गाइस। सो यहाँ पर मिक्स वाले टूल और गाइस यहाँ से जो ग्रीन कलर है इसको सिलेक्ट करना है, ह्यू को माइनस की तरफ और सेचुरेशन को हाई। येलो कलर का जो सेचुरेशन है उसको फुल्ली हाई कर दीजिए। हाई करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर जो फेस का कलर है यानी ऑरेंज उसको थोड़ा सा सेचुरेशन को कम करके फोटो को कर लीजिए सेव एक बार, ठीक है। सो वीडियो को फुल्ली देखो, अब लोगों को समझ में आ जाएगा। यहां से मैं फोटो को कर लेता हूं एक बार सेव। गाइस जैसे कि फ़ोटो सेव हो चुका है, उसके बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पर बैग आ जाना है और इस फोटो को डिलीट करके आप लोग जिस फोटो को अभी अभी सेव किया उसको इनपुट कर लेना है लाइटरूम ऐप के अंदर। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो फोटो है सेव हो चुका है, उसके बाद मैं लाइटरूम ऐप के अंदर फोटो को फिर से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों को फिर से ओपन कर लेना है फ़ोटो को। उसके बाद गाइस फिर से आप लोगों को मिक्स वाले टूल के अंदर जाना है और यहाँ से आप लोगों को जो येलो कलर है इसको सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है और जो सेचुरेशन है उसको कुछ नहीं करना है, सिंपली डन पर टैप करना है। और गाइस यहां से आप लोगों को इधर स्वाइप करना है ऊपर, सॉरी नीचे, इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है गाइस, जो कि यहां पर देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन। सो इसके अंदर टैप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे प्रीसेट मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आर्टिक्स 3 वाले ऑप्शन को आप लोगों को सिलेक्ट करके फुल्ली हाई कर देना है यानी 200 कर देना है। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा पिंक टोन आ रहा है। सो गाइस यहाँ से सेव कर लेना आप लोगों को फोटो को। सेव करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर फिर से कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ से आप लोगों को मिक्स वाले टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कीजिए, ह्यू को राइट की तरफ कर दीजिए एंड जो फेस है येलो हो जाएगा थोड़ा सा और जो लेमुलेशन है उसको थोड़ा सा माइनस की तरफ करके फ़ोटो को फिर से सेव कर लीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद आप लोगों को उसके बाद का प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। सो फोटो को सेव हो जाने दीजिए। गाइस जैसे कि फ़ोटो सेव हो चुका है, उसके बाद मैं ओके पर टैप करके बैग आ जाऊँगा और इस फोटो को फिर से डिलीट करके जिस फोटो को अभी अभी सेव किया उसको इनपुट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि इस फोटो को यहाँ पर सेव किया मैं, इसको मैं फिर से इनपुट कर लेता हूँ लाइटरूम ऐप के अंदर। इनपुट करने के बाद गाइस आप लोगों को फोटो के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को फिर से कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है यानी मिक्स वाले टूल और यहां से रेड कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है। सो आप लोग देख सकते हैं पिंक टोन आ रहा है, जैसे कि गाइस फेस के अंदर थोड़ा सा पिंक टोन आ रहा है। सो इसको रिमूव करने के लिए आप लोगों को जो ऑरेंज कलर है इसको सिलेक्ट करके ह्यू को राइट की तरफ कर देना है, ठीक है। सो जो फेस है येलो हो जाएगा थोड़ा सा और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग लेमुलेशन को हाई कर सकते हैं अगर आपका जो फेस है बहुत ही ब्लैक है, ठीक है। सो मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो फेस है बहुत ही ज़्यादा गोरा है एंड अच्छा भी लग रहा है, ठीक है गाइस। सो मैं डन पर टैप करके यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लियरिटी को हाई कर दूंगा और जो वाइब्रेंट है उसको माइनस की तरफ करके जो नॉइस रिडक्शन है उसको हाई कर दूंगा, ठीक है। सो आप लोग भी कुछ इस तरीके से पिंक कलर एडिटिंग कर सकते हैं। गाइस बहुत ही छोटा वीडियो है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।